So welcome to day 13 guys, आज है हमारा 13th day and you have to tell me how am I looking. मुझे लग रहा है काफ़ी changes आ रहे हैं और आज का हमारा workout है simply legs. अब legs क्यों? Because guys मैं इस transformation में अपने weak points को address करना चाह रहा हूँ और मैं आज shorts पहन के आया हूँ because मैं अपने weak areas को देखना चाहता हूँ. मैं अपनी problem बताता हूँ, just let me know अगर आपकी problem भी रही है. तो जब भी मेरे legs weak होते हैं तो मैं हमेशा ट्राउजर्स पहनता हूँ या लोअर पहनता हूँ, तो उससे दिखते नहीं है तो मैं फोकस कर भी नहीं पाता हूँ. तो राज टोल्ड मी कि आप ना शॉर्ट्स पहन के आना जब हम लेग्स करेंगे ताकि आप अपने वीक एरियाज को रोज़ देखो और उस पर काम करो. गाइस दिस इज़ अ वेरी गुड टिप. अगर आपका भी कोई भी वीक एरिया हो, चाहे वो लेग्स हो, शोल्डर हो, अगर शोल्डर हो तो वेस्ट पहन के वर्कआउट करिए, लेग्स है तो शॉर्ट्स पहन के वर्कआउट करिए ताकि आप अपने वीक एरिया को देखें और डिटर्मिंड रहें कि मैं इसको फिक्स करूँगा नो मैटर वॉट. सो आज का हमारा वर्कआउट भी लेग्स का. लेग्स में हम कन्वेंशनल वर्कआउट नहीं करेंगे, मैं मास बिल्डिंग वर्कआउट ने मुझे राज ने बोला. सो गाइस क्या वर्कआउट रहेगा जी मास बिल्डिंग वर्कआउट अपना? अभी हमने मैक्सिमम अभी मशीन हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे. अभी हम लोग क्या करेंगे ना, फ्री स्क्वाट्स ज़्यादा करेंगे, जिसमें क्या मशीन में क्या पर्टिकुलर एक मसल इंगेज होता है. तो फ्री स्क्वाट्स में क्या होता है ना कि ओवरऑल मसल आपके जो लोअर बॉडी ना इंगेज हो जाए, इसमें ग्लूट्स आ गए, इनर थाइज हो गए, आपके आउटवर्ड्स हो गए, सो इट्स मोर इफेक्टिव. तो वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्री स्क्वाट्स. आज हम फ्री स्क्वाट्स करेंगे. काफ़ी जरूरत है जिसे कहते हैं मशीन कम यूज़ करने वाले आज हम, बिकॉज आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि हम बेसिकली अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे. हम बेस स्ट्रॉन्ग करना, बेस स्ट्रॉन्ग से ज़्यादा गाइस क्या ना एक थोड़ी वेरिएशन भी हो जाएगी बिकॉज मशीन काफ़ी यूज़ कर सकते हो. इस बुक में आपको हाउ फिक्स माई चेस्ट फैट में ये पेज नंबर 99 पे आपको वर्कआउट मिल जाएगा और चेस्ट फैट का तो हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का वर्कआउट है गाइस. अगर आपने दोनों ये बुक देखनी है तो दे आर अवेलेबल ऑन अमेजोन, दोनों बेस्ट सेलर बुक्स हैं, यू कैन गेट देम. यही प्लान हम फॉलो कर रहे हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में, एक डॉक्यूमेंटेड प्लान है. रोज़ हम आके नया नया वर्कआउट्स कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा गैप दे रहा हूँ एक एक दिन का बीच में वीडियोज़ में ताकि आपको भी थोड़ा रेस्ट मिलता रहे. बिकॉज हमने शुरू में वर्कआउट अपलोड करे 10 बैक टू बैक नॉन स्टॉप, तो अब एक दिन करके छोड़ा, बट कोशिश करूँगा फिर मैं अगेन हम एकदम से 10 वर्कआउट स्टार्ट लोड कर दें, अपलोड कर दूँ मैं वैसे ही बैक टू बैक. सो दैट्स हाउ, जस्ट टू कीप द मोमेंटम गोइंग. सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब हम करते हैं हमारा सीधा लेग्स का वर्कआउट. सो पहली एक्सरसाइज है हमारी फ्री स्क्वाट्स. सो इस वर्कआउट में हम ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे राज ने भी आपको बताया, फ्री स्क्वाट्स करेंगे बिकॉज द आइडिया इज हमें अपने लेग्स पे, मुझे अपने लेग्स पे मास गेन करना है. फ्री स्क्वाट्स इज़ अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज. क्यों? आपने पुराने बॉडी बिल्डर, ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स भी देखे होंगे, वो दंड बहुत करते थे और उनके अपने लेग्स देखे हैं. सो दैट्स द आइडिया. सो मैं अपनी मूवमेंट को कभी पार्शल रखूंगा, कभी फुल रेंज ऑफ मोशन करूंगा जस्ट टू गेट एंगेज माई क्वाड्स. तो मैं इसको यहाँ से पकड़ रहा हूँ जस्ट इन केस कि मैं मेरी बैक स्ट्रेट रहे सब रहे. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट. स्लो या. सो नेक्स्ट इज सुमो स्क्वाट्स का. ये भी फ्री स्क्वाट्स की मूवमेंट, हम थोड़ा वेट्स लेंगे इसके साथ और जो हमारे रेगुलर फ्री स्क्वाट्स हैं वो आपको करने हैं 100 मिनिमम, बिकॉज आपको मास चाहिए. तो आप उसको 25 का एक सेट बना सकते हैं, 4 कर सकते हैं, या 20 का सेट बना सकते हैं, 5 कर सकते हैं, अप टू यू, बट 100 ज़रूर करिएगा. ये वाले भी सुमो स्क्वाट भी मैं 100 करूँगा अगेन, 10 15 20 का एक सेट बना के. एंड आई वांट टू पुश इट, थोड़ा वेट ज़्यादा लेके गाइस. और मैं कोशिश करूँगा कि आधे जो है मैं पार्शल करूँ, पार्शल इज़ गुड फॉर माई थाइज, एंड आधे फुल रेंज ऑफ मोशन, डिफरेंट वेरिएशन भी हो जाएगी और मास के साथ साथ आई विल एंगेज ऑल माई लोअर बॉडी. सो लेट्स Start now. Yeah. So next is leg press, guys. ये भी 10 से 15 रेपिटेशन निकालेंगे और 100 अपने टोटल रेपिटेशंस करने हैं, 4 से 5 या 6 सेट्स आप जितने हो सके करिए गाइस. रिमेंबर आप जितना हो सके इस वर्कआउट में याद रखिएगा, आइडिया इज टू बिल्ड मास और हैवी वेट. अब लेग प्रेस ऐसी आप इसमें हैवी भी कर सकते हैं कम रेपिटेशन के साथ, बट
इंश्योर दैट यू गेट एटलीस्ट 100 रेपिटेशन. जैसे मैं क्या करूँगा, वेट्स बढ़ा के मैं 6 रेपिटेशन भी लूँगा, 8 रेपिटेशन भी लूँगा, 10 भी लूँगा. सो यू डिसाइड कि आप कैसे 100 पूरे कर सकते हैं, चाहे आप 6 में करिए, 7 में करिए, बट अगेन टू 100. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. ओके, ये है फ्रंट स्क्वाट. इसको हैक स्क्वाट भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत अलग वेरिएशन है. आउटर के लिए, आपके लेग्स के लिए बहुत ज़बरदस्त. और अभी जैसे यू नो, आप होल बॉडी इज़ कम्प्लीटली डेड, अब ये एक्सरसाइज करने में इतना मज़ा आने वाला है, बिकॉज जान नहीं है और ये बहुत मुश्किल होने वाली है. यूजुअली इसकी मशीन्स बहुत कम होती हैं हैक स्क्वाट की कई जिम में, तो इसीलिए इसको हम डिफरेंट तरीके से करेंगे. सो फॉलो मी. सो जैसे आप देख सकते हो, आप इंक्लाइन बेंच ले लीजिए. इस पर इंक्लाइन बेंच पे यू कैन हैव अ स्पॉटर या ट्रेनर, कोई भी, मेरे केस में राज है मेरे ट्रेनर, उनको बिठा दिया है. पीछे अपना सारा भार पीछे दे दीजिए सारा, एंड देन सपोर्ट लाइक दिस. आई एम गोना होल्ड हिम. अब हम करेंगे स्टार्ट. ये है मेरा फुल ब्लोन मील गाइस. 200 ग्राम्स चिकन, और चिकन के साथ थोड़े से राइस. राइस के साथ ये चिकन का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, और साथ में ये चिकन जो है ये सॉटेड है, जिसमें थोड़े से प्याज है. आई एम गेटिंग लॉट ऑफ रिक्वेस्ट. मुझे कई रिक्वेस्ट आ रहे थे, लड़के पूछ रहे थे कि सर आप मुझे बताओ ये आपकी रेसिपी क्या है, कैसे बनाते हो, इट लुक्स डिलिशियस. तो गाइज़ मैं प्रॉब्ली इस व्लॉग में नहीं तो अगले व्लॉग में आई विल शो यू हाउ दिस चिकन इज़ मेड. बहुत सिंपल है बट टेस्टी भी बहुत है. सो फॉर नाउ आई एम गोना एंजॉय दिस. है अबाउट 100 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट और 4 अंडों का एग वाइट. इसको मैं भुर्जी बनाता हूँ, और साथ में थोड़ा सा प्याज, थोड़ा टेस्ट आ जाए. दैट्स अबाउट इट. सो ये हो गया हमारा मील. सो गाइस ये है मेरा मिड मील स्नैक, जिसमें मैं खा रहा हूँ एक सैलड. सैलड कुछ ऐसा फैंसी नहीं लग रहा आपको, ऐसा बहुत बेसिक है, जिसके अंदर सिर्फ खीरा, ककड़ी, ब्रोकली, प्याज, टमाटर, गाजर, बस यही आपको मिलेगा. सारे जितने हो सके ग्रीन्स और वेजिटेबल्स, क्योंकि मुझे अपना डाइजेशन इम्प्रूव रखना है. बिकॉज अब इतना हाई प्रोटीन जा रहा है, तो जब तक आप वेजीज नहीं खाओगे आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा. सो ये हमने आज से ऐड कर दिया. गाइस फैट्स खाना मत भूलिएगा. अब मैं खा रहा हूँ सोक्ड आलमंड्स. रात को भिगो के रख दीजिए और सुबह खाइए 15 से 20. जैसे मैं आपको पहले बताया था, फैट विल मेक यू बर्न फैट, भूलेगा मत. 5 अंडों का एग वाइट, ये प्लेन एग वाइट्स हैं, ऑमलेट ना कुछ. और उसके साथ मैं नमक नहीं डाल रहा, बिकॉज मुझे इसको चीज़ स्प्रेड के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्टी लगता है. साथ में थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड, आप अमूल का कोई भी ले सकते हैं, और उसके साथ सिंपल एग वाइट्स.